वेलकम बच्चों, आज आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपको राजनीति विज्ञान अध्याय 2 द्विध्रुवीयता का सिद्धांत पढ़ाऊंगी। मुझे आशा है बच्चों कि आपने पहला पाठ शीत युद्ध के दौर को अच्छे से पढ़ा होगा और उसको अपनी नोटबुक में लिखा होगा। आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुवीयता का सिद्धांत। अब हम आते हैं द्विध्रुवीयता, ये है क्या, इसका परिचय देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 तक चला ने अपने परिणाम से सारे विश्व को विशाल जन और धन की हानि पहुंचाई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई थी। युद्ध के पूर्व सभी बड़े राष्ट्रों को अत्यधिक क्षति पहुंची थी, जिसके कारण पहले की तुलना में ये सभी शक्तिशाली राष्ट्र अपेक्षाकृत कमजोर हो गए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल कुछ ऐसे ही राष्ट्र थे। इस स्थिति ने अमेरिका और सोवियत संघ को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करें। ये दो राष्ट्र पहला अमेरिका जो पूंजीवादी राष्ट्र था और दूसरा सोवियत संघ जो साम्यवादी राष्ट्र था, 1945 के बाद दो महाशक्तियों के मान्यता के साथ विश्व मंच पर अवतरित हुए और यहीं से युद्ध में आहत राष्ट्रों को अपने पक्ष में लाने की राजनीति के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महाशक्तियों द्वारा ध्रुवीकरण सा बन गया। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के दो ध्रुव या पक्ष बन जाना, जिनका नेतृत्व एक एक बड़ी शक्ति के द्वारा किया जाता है। अब अपन आते हैं कि ये ध्रुव और ध्रुवीयता है क्या, इसको देखते हैं कि द्विध्रुवीयता को समझना आसान होगा जब हम ध्रुव और ध्रुवीयता का अर्थ समझ लें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुव का आशय महाशक्ति से लिया जाता है। महाशक्ति शक्ति अपन ने पहले पाठ में भी पढ़ी थी, उसमें महाशक्ति मतलब दो देश जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ से लिया जाता है, जिसका आधार मोटे तौर पर सैनिक शक्ति को माना जाता है। ध्रुवीयता शब्द शक्ति के केंद्रों की स्थिति को व्यक्त करता है। इसको और अधिक समझाने के लिए रॉबर्ट आजगुट और रॉबर्ट टकर ने लिखा है कि शक्ति का केंद्र उसे माना जाता है जो शक्ति संतुलन की स्थिति में परिवर्तन लाने में सक्षम हो और जो अन्य शक्ति केंद्रों के खिलाफ अकेले ही युद्ध कर सकने में सक्षम हो। अब आते हैं द्विध्रुवीयता का अर्थ और इसका स्वरूप क्या है। द्विध्रुवीयता का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के दो ध्रुव या खेमे या पक्ष बन जाना, जिनका नेतृत्व एक एक बड़ी शक्ति के द्वारा किया जाता है। विस्तृत अर्थ में दो प्रमुख शक्तियां प्रमुख कर्ता होते हैं। इन दोनों की क्षमताएं लगभग एक जैसी होती हैं। ये दोनों ही इतनी शक्तिशाली होती हैं कि अन्य कोई राष्ट्र इनका मुकाबला नहीं कर सकता। यह दो प्रमुख शक्तियों की व्यवस्था है जो दूसरे को अपना विरोधी मानती हैं। इस प्रकार द्विध्रुवीयता में पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दो अलग अलग पक्षों में विभाजित हो जाती है। इस व्यवस्था में संघर्ष की आशंका अधिक रहती है, क्योंकि दोनों शक्तियाँ अपने अपने प्रभाव विस्तार में दूसरे को पीछे छोड़ देना चाहती हैं। इस प्रकार किसी भी स्थिति में बड़ी उग्र प्रतिक्रिया की संभावना बनी रहती है। अतः विद्वान यह मानते हैं कि द्विध्रुवीय विरोध संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता की व्यवस्था होती है। द्विध्रुवीयता के कारण कि यह द्विध्रुवीयता क्यों हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्विध्रुवीयता के उदय के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, दो महाशक्तियों का उद्भव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
विश्व में द्विध्रुवीयता का उदय प्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना में आए बदलाव तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महाशक्तियों के उदय का परिणाम है। ये दोनों ही शक्तियां पूंजीवाद और साम्यवाद दो भिन्न भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, बड़ी शक्तियों की घटती संख्या। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय बड़ी शक्तियों की संख्या में कमी आ गई। मित्र राष्ट्र भी विजय तो हुए परंतु उनको भी पर्याप्त शक्ति उठानी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो 7 बड़ी शक्तियां थीं, वही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में केवल 2 ही शक्तियां रह गई थीं। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में तीव्र प्रतिद्वंदिता की भावना। पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के मध्य प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा ने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में इनके मध्य तीव्र प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने टू मैन सिद्धांत और मार्शल योजना के माध्यम से तथा सोवियत संघ ने कॉमिकॉन के माध्यम से राष्ट्रों की आर्थिक सहायता की पेशकश की। चौथा कारण है परमाणु अस्त्र दौर। सोवियत संघ की परमाणु क्षमता प्रकाश में आने के साथ ही परमाणु अस्त्र दौड़ की शुरुआत हो गई। इससे भी विश्व व्यवस्था के द्विध्रुवीय विभाजन की रूपरेखा तैयार हो गई। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने की दीर्घकालीन नीति का श्री गणेश किया, जबकि इससे समानांतर सोवियत संघ ने साम्यवाद को अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने के नीति की शुरुआत की। अब आता है द्विध्रुवीयता के परिणाम के इसके आखिर में क्या परिणाम निकले। तो पहला है विश्व 2 भागों में विभक्त हो गया, मतलब विश्व 2 भागों में बट गया। इस व्यवस्था में विश्व के 2 गुटों में विभक्त कर दिया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं और बढ़ गईं। कश्मीर समस्या, कोरिया संकट, अरब और इजराइल युद्ध द्विध्रुवीय टकराव का मुद्दा बनकर रह गया। दूसरा है आणविक युद्ध से बढ़ावा। सन 1962 में क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना काफी बढ़ गई थी। हथियारों की होड़, उनके आधुनिकीकरण तथा परमाणु अस्त्रों के जखीरों में अंतर राजनीति की पारस्परिक संरचना को परिवर्तित कर दिया। तीसरा, सैनिक संधियों एवं गठबंधनों का बाहुल्य। इस द्विध्रुवीय व्यवस्था ने सैनिक संधियों एवं गठबंधनों का जाल बिछा दिया। नाटो, सेंटो, सीटो के निर्माण ने विश्व में तनाव एवं टकराव की स्थिति पैदा कर दी। चौथा है गुट निरपेक्षता का जन्म। द्विध्रुवीय व्यवस्था के आपसी टकराव एवं कलह ने विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन नामक तृतीय शक्ति को जन्म दिया। पांचवा, मानवीय कल्याण की उपेक्षा। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ही केंद्र बना रहा। संपूर्ण विश्व में मानव कल्याण की बहुत उपेक्षा होती रही। परिणामतः विश्व में भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता का प्रश्न उपेक्षित रहा। छठवां है उपनिवेशवाद का जन्म। सैन्य गठबंधनों के कारण राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में वैचारिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ, जिसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो बच्चों, ये अपना अध्याय 2 द्विध्रुवीयता समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़कर अपनी कॉपी में